हाईवे पे चढ़ने लगे, हाईवे डेयर फुट पे वापस डाउनटाउन की तरफ जाने के लिए। डाउनटाउन की इंशाल्लाह एक और सीरीज़ बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ यहाँ पे जो डिफरेंट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम कवर कर सकें, और डाउनटाउन में जैसे शॉपिंग रिटेल एरिया है वो भी दिखा सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो जो जैसे जैसे वक्त मिलता रहा वैसे वैसे टाइम के साथ साथ आपको चीज़ें गैलरी की कवर करते रहें। मेरी बड़ी पसंदीदा दुआ है अमेरिका में, वो भी आपसे शेयर कर लूँ। रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ए अल्लाह मैं बेबस हूँ आप मेरी मदद फरमाएं, ये इसका तर्जुमा है। बड़ी आसान है, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ये भी आप याद कर लें इंशाल्लाह। तो आज की प्यारी दुआ हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, हमसे बहुत बेहद मोहब्बत करते हैं, हमसे बड़ा प्यार करते हैं, और बस अल्लाह ही का साथ चाहिए। मुझे तो एक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ करता था जवाब, मुझे वो याद आ गए, वो कराची में कहा करते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह करने वाला एक अल्लाह, और कहते थे अल्लाह ही अल्लाह, क्या था बस अल्लाह ही अल्लाह बाकी सब धोखा। तो बस हमें अल्लाह ही चाहिए और अल्लाह ही पे यकीन रखना है, और फिर अल्लाह हमारे सारे मामलों को आसान कर देंगे इंशाल्लाह। दुनिया में कोई भी मुश्किल आए जब अल्लाह का साथ हो तो कोई। वो डॉक्टर इजाज़ साहब की बात मुझे याद आ रही है, वो कहते थे, उन्होंने अपने बयान में ये कहा है बल्कि यूट्यूब पे भी है वो, कि एक शख्स जो किसी बहुत ही बड़े वडेरे का दोस्त हो और गांव में छोटा सा किसान हो लेकिन उसकी दोस्ती वडेरे के साथ है, तो उसका जानवर कोई चुराएगा? उसके जानवर कोई चुराने की कोशिश कर सकता है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब इंसान का दोस्त ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो तो फिर कोई उसका बाल भी का नहीं कर सकता। तो बस इतनी प्यारी बात के साथ हम अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं, कैलगरी डाउनटाउन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हाईवे पे डिस्टेंस के साथ थोड़ी गाड़ी चलानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे कैलगरी बड़ा मशहूर है विंडशील्ड एंड चिप्स के लिए। थोड़ी सी भी एक हल्का सा आगे से गाड़ी से कोई पत्थर उड़ करके विंडशील्ड पे आके लगता है और वो क्रैक हो जाता है। यहाँ पे कोई चिप पड़ गई, कभी कोई बड़ा क्रैक आ गया या छोटा क्रैक था वो फिर बाद में बड़ा बन गया। तो कभी कभी कोई लोग, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने साल में दो दो दफ़ा विंडशील्ड स्क्रीन अपनी चेंज कराई है। अभी मुझे तो अपनी स्क्रीन पे एक ही नज़र आ रहा है फिलहाल क्रैक, मैं भी आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ये कि ख्याल से गाड़ी चलानी पड़ती है। ले जी कैलगरी का डाउनटाउन की तरफ, गामजन बोलती आंखों सुनते कानों, देख लो भाई कैलगरी का डाउनटाउन, छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा। क्रीसेंट व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और कोशिश करेंगे आपको सनसेट दिखाएं। हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है डाउनटाउन के बिल्कुल अकब में, आप देख सकते हैं। और गाड़ी पार्क करने के बाद इस पार्किंग लॉट में, सरप्राइजिंगली इवन ऑन जनवरी 1st आई हैव टू पे फॉर द पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग साइंस लगे हुए, पब्लिक पार्किंग पेमेंट रिक्वायर्ड। सही है वही सिटी वाले पैसे बनाओ टिका करके। यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस थे, या तो हम ड्राइव करके वो ऊपर जाते, दूसरा ऑप्शन ये है आप यहाँ पे वॉक करके इस तरह जा सकते हैं ऊपर अपहिल एरिया में, एक ट्रेल बना हुआ है, वो लोग आ रहे हैं नज़र आ रहा होगा, एक इस तरह जा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है वो बड़ा मज़ेदार है, वो है स्टेयर्स लेने का। तो चूँकि आज हम जिम नहीं गए थे तो मेरे दिल में आ रहा था कि हम यहाँ से स्टेयर्स लेकर के ऊपर जाएं ताकि थोड़ा सा वर्कआउट भी हो जाए। अभी आपके भाई ने खाने के बाद जो है ना दो क्वालिटी स्ट्रीट्स भी खा ली थी तो थोड़ी सी अच्छा कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, क्या ख्याल है? ये 40 की एज के बाद जो है ना इस तरह की चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह का शुक्र है स्मोकिंग तो आपके भाई ने पहले छोड़ दी थी, लास्ट ईयर 1.5 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सिगरेट छोड़े हुए, आफ्टर स्मोकिंग फॉर 27 ईयर्स। तभी आप लोगों को कभी कभी लगता होगा
की वीडियो बनाते हुए अक्सर ऊपर नीचे चलते हुए ना मेरी हल्की सी सांस फूलती है, वो देखें वो जा रही है स्टेयर्स वो यूं ऊपर ना, बड़ा मज़ेदार ये ट्रेल होगा। तो ज़रा सीढ़ी काउंट करते हुए चलते हैं कितनी हुई हैं आज तक, देखते हैं कि किसी ने सीढ़ी भी काउंट की है कि नहीं यहाँ पर। Look at this जी, beautiful, subhanallah। ये जो frozen beach में आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ना सारा, ये basically river है, Bow River, as you can see। और ये downtown वहाँ से शुरू होता है और ये जा रहा है, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत दिन है जी आज, subhanallah। हम लोग की गाड़ी जो है वो नीचे पार्क हुई है वहाँ पे, तो अभी तक हम यहाँ से चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आ गए। ये जो जगह है ये यहाँ पे इन्होंने बेंचेस बनाई हुई हैं, आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, बैठ के व्यू देख सकते हैं। यू कैन सी, ट्राई टू गो अ लिटिल बिट बैक, सुभानअल्लाह। अच्छा जी, ऊपर हम पहुंच गए बड़े तपोदौ और मेहनत के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कैलोरीज भी बर्न आउट हो गई हैं अल्लाह के शुक्र है, और बड़ा अच्छा वर्कआउट रहा, डेफिनेटली इट वाज मच नीडेड, स्पेशली आफ्टर द लंच एंड कॉफ़ी आई हैड। जी देखें हेलीकॉप्टर जा रहा है, मेरी सिक्योरिटी के लिए आसपास घूम रहा है। तो बार बार आपने ये सुना होगा मुझसे कि कैलोरी इतना खूबसूरत है, कैलोरी इतना खूबसूरत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी खूबसूरत नज़ारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं तमाम उन लोगों के लिए बात कहना चाहूँगा जो पाकिस्तान में हैं, यकीन करें मेरी एक हसरत अभी तक है जो मुझे अल्लाह से पूरा यकीन है कि जो अल्लाह पाक मेरी इस ख्वाहिश को, मेरी इस दुआ को पूरा करेंगे इंशाल्लाह, और वो है कि जितनी खूबसूरती पाकिस्तान में अल्लाह ने दी है ना, अक्सर व बेशतर फ्री टाइम में मैं बैठ के यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी जगहें पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की देख रहा होता हूँ, मुख्तलिफ शहर, छोटी छोटी सी वादियाँ, ऑल द वे अप टू हंसा या खुंजरिया पास, वो तो मेरा बहुत मेरी एक हसरत है कि मैं वहाँ जाऊँ, और मेरा दिल चाहता है कि मैं वहाँ पे जाके यही करूँ जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर जब अल्लाह ने मौका दिया पाकिस्तान में जा कर के भी इंशाल्लाह ब्लॉगिंग करेंगे, और वो सारी चीज़ें हालांकि YouTube पे बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कैप्चर की हैं, लेकिन मैं अपने कैमरे से इसको इंशाल्लाह ताला कैप्चर करके उसको विटनेस करूँगा कि हाँ मुझे यहाँ पे अल्लाह लेके आए और मैं उन सारी खूबसूरतियों को देखने वाला बना इंशाल्लाह। तो जितनी खूबसूरत पाकिस्तानी में मौजूद है, यकीन करें मेरे ख्याल से ये मैं इसका कंपेरिज़न नहीं कर सकता, लेकिन बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान। और कभी भी आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई you know, हम लोग यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे रह रहे हैं, और तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगहें पाकिस्तान में मौजूद हैं यकीनन। अगर आपको मौका मिले कैलगरी नहीं भी आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉर्दर्न पाकिस्तान ज़रूर जाएँ इंशाल्लाह। अच्छा, जहाँ पे हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं यहाँ पे सनसेट होने में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है, लेकिन इसके सामने ही जैसे कि ये व्यू है और ऑपोज़िट यहाँ पर ये जो घर बने हुए, कितने सुभानअल्लाह इनके लिए रोज़ाना का ये सनसेट देखना जब जिस दिन सूरज निकलता होगा, वो कितना खूबसूरत व्यू इनके घर से आता होगा माशाल्लाह। तो बड़े खुशकिस्मत हैं माशाल्लाह ये लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी खूबसूरत इस नज़ारे को देखने के लिए रोज़ाना बैठते होंगे। लेकिन फिर एक और बात ये भी है
कि जब कोई भी ऐसी चीज़ रोज़ाना ऐसे मैसर हो तो क्या उसकी अज़मत वैसे ही होती होगी जैसे कि कभी कभी देखने वाले के दिल में होती है। तो ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ। सनसेट अभी आहिस्ता आहिस्ता करके सूरज नीचे आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह कि आज बादल नहीं है तो सूरज इंशाल्लाह ताला डूबता हुआ पहाड़ों के पीछे नज़र आएगा। और एक और बात ये भी है कि ये देख रहे हैं सूरज की रोशनी जो है ना वो रिफ्लेक्ट होकर के बिल्डिंग से वापस इधर आ रही है। अगर यहाँ से देखो तो वो बिल्डिंग जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है वो सामने वाली उसके पास आपको नज़र आ रही है। तो अभी हम चलते हुए आगे जा रहे हैं देखने के लिए कि देखें और कौन कौन सी बिल्डिंग से ये सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर के इस तरफ आती है। तो वी आर जस्ट टेकिंग अ वॉक। वो सूरज के बिल्कुल एन नीचे आप देख रहे हैं वो रॉकी माउंटेंस नज़र आ रहे हैं दूर से और बहुत प्यारा लग रहा है वो। और ये बो रिवर फ्रोजन इस वक्त। कुछ कुछ पैचेस ऐसे हैं जहाँ पे आइस नहीं जमी हुई, वहाँ पे पानी का फ्लो थोड़ा बहुत तेज़ होगा शायद इस वजह कर भी, लेकिन बिल्कुल यही स्पॉट जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं क्रिसेंट व्यू, इसी स्पॉट को दिखाने के लिए हम गर्मियों में भी आपको लेकर के दोबारा यहाँ आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे शाम में मेरे ख्याल से रोज़ाना यहाँ पे गाड़ियाँ आके खड़ी हो जाती हैं, लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ पे पार्क करके इस तरह यहाँ पे वॉक भी करते हैं। ये पूरा वॉकिंग पाथ बना हुआ है साइड रोड पे, किसी को जॉगिंग करनी है वो जॉगिंग कर रहा है, गाड़ी यहाँ पे आके पार्क करके यहाँ पे आ गए, फिर लोग अपनी सेल्फीज ले रहे हैं यहाँ पे, यार स्नो पे वॉक कर रहे हैं। ये भाई जो है ये ढलते हुए सूरज की तस्वीर ले रहा है, ज़बरदस्त स्पॉट मिल रहा है इसको रिकॉर्ड करने के लिए माशाल्लाह। As you can see, this bench was donated in loving memory of Stan and Goody Cook, Randy, Karen, Dana, Sarah and Tori Cook, Nori, Chris, Connor and Hunter Snow, Parks Foundation, Calgary. इस benches पे हर किसी के नाम जिनके के लिए डोनेट हुआ हुआ है उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके जी, क्रिसेंट व्यू से अब हम आपको खैर बात कहते हैं और सूरज बिल्कुल ढलने के करीब है और इट्स गोइंग बिहाइंड द माउंटेंस एज यू कैन सी सुभानअल्लाह। और बो रिवर पे जो पानी का वो हिस्सा जो कि फ्रोजन नहीं है उससे उसकी जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो भी बहुत बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आप लोगों के साथ इस वक्त को गोल्डन करने का वक्त है और ये वक्त वाकई में बहुत ही सुनहरा होता जा रहा है जैसे जैसे हमारा और आपका साथ हर बीते दिन के साथ गुजर रहा है माशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों के साथ इतना स्पेशल है। तो एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया कैलगरी की तरफ से, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, दुआओं की दरख्वास्त है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।